गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आप देखते हैं लगता हूँ जैसा मैं आपका स्वागत है। तो गाइज आप कुछ कहते हैं, आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। गाइज मैं आई हुई हूँ अपने गांव, जो हमारी ताई सास थी तो उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए हम लोगों को टेंडम गाँव आना पड़ा। वही सब लोग यहाँ पे इकट्ठा है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, सब लोगों से मिलवाती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ गाइज बैठी हुई है हमारी बड़ी भाभी, भाभी हाय करो। और ये सबसे बड़ी वाली भाभी इधर बैठी हुई है, भाभी वहाँ से तुम हाय करो। और ये है छोटी दीदी, और ये है हमारी बड़ी दीदी। तो गाइज अब यहाँ पे देखिए, हाँ बड़ा बन रहा है, सही कह रही हो। तो गाइज यहाँ सब्जी वगैरह कट रही है, मैं आपको और यहाँ बनने जा रहे हैं हमारे बड़े। ये देखिए भट्टी चढ़ी हुई है, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं बनवा रही हूँ दही बड़े। एक्चुअली जो मेरी मम्मी थी, मेरी सास, वो उनकी जिठानी थी जिनकी डेथ हो गई गाइज, वो बहुत बूढ़ी थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो वही तो उनकी डेथ हो गई थी। तो वही गाइज हम लोग गए हुए थे, तो आज हमारे यहाँ वही 10वें का कार्यक्रम था, तो वही परिवार के लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी होता है और अधिकतर तो लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। तो वही मैं गई हुई थी गाँव, तो देखिए अब वही बन रहे हैं, सब खाना वगैरह बन रहा है। और ये केवल घर की जो मेन बहुएं होती हैं बस वही बनाती हैं, और कोई इसे बना नहीं सकता है। तो चलिए गाइज आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। कौन कौन साथ में? अब काके दे रहे, जिसको आना वो खाए। मैं ठीक है बस। तो ये तो बताओ कौन साथ बना रहा है? बता पहले ही सबके बारे में। तो एक परिवार के साथ में कितना अच्छा लगता है, कोई कोई मौके होते हैं जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दही बड़े बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दाल पीस रहा है। तो गाइज यही सब कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम में जितनी घर की बहुएं होती हैं वही लोग काम करती हैं। तो गाइज हम लोग चाहे जितना शहर में रह लें, आधुनिक रह लें, लेकिन जब कुछ वैसे काम काज पड़ते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, मतलब सभी में हर बहुओं को शामिल होना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे गाइस आज गांव जाना पड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं वही मैं बना रही हूँ खाना सबके साथ में मिल करके। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं फिलहाल, टकला गैंग एक से एक। और गाइस ये देखिए हमारे आंगन में नीम का पेड़ लगा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है, सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलिए गाइस कढ़ी की पकौड़ियाँ चुवा लेते हैं, बनने जा रही है कढ़ी, देखिए चलिए बन जाती है हमारी पकौड़ियाँ। बबली जी बहुत जोरदार फिटी है एकदम, बहुत बढ़िया। ये हमारे घर का आंगन, ये हमारा गांव, मतलब मेरी मम्मी का ससुराल, यहीं पे सब हो रहा है। आइए ले चलते हैं आपको और आगे दिखाते हैं हमारे गांव का घर। ये देखो भाभी यहाँ बना रही खाना, भाभी का अलग खाना बन रहा है। खेलो खेलो, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब गांव में जानते हैं लाइट ज़्यादा आती नहीं है, और आज हमारे यहाँ प्रोग्राम था वही 10वें का, तो वही सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये है बड़ी भाभी, अभी मैंने आपसे मिलवाया था। और गाइस सब लोग इकट्ठे होते तो बहुत अच्छा लगता। कहाँ लगा? हाँ एक इतना बड़ा पेड़ लगा है, हो देखने हो क्या? सुनो चप्पल पहन के आओ भैया। तोड़ लो ये, हम लोग भी यहाँ से तोड़ ले चलेंगे, है ना, पन्नी में भर के।
हाँ लिए जाओ, कितना बढ़िया गांव में तो आराम देखो बढ़िया। गाइस यहाँ लगा करी पत्ता, चाहे जितना तोड़ो चाहे जितना बनाओ, खाओ इडली खाओ डोसा खाओ सांभर खाओ। गाइस हमारे छोटू देखो हमारे लिए देखिए कितने सारे करी पत्ते तोड़ लाए, थैंक यू छोटू जी, इसे इतने बहुत दिन चल जाएंगे, सूख जाएगी आजी। निकले भैया पेड़, हाँ लाइए भाभी को दे देंगे। तो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने पेड़ तोड़वा के रख लिया, बहुत छोटे पेड़ लगे हुए थे तो मैंने ले लिए, घर पे भी लगा लूँगी मैं। और यहाँ भाभी आई थी मुझसे पूछने के लिए कि तुम खट्टी कढ़ी खाओगी कि मीठी खाओगी, तो मैंने कहा मुझे तो खट्टी कढ़ी पसंद है। बारिश हो रही है हल्की हल्की वैसे, तो गाइस यहाँ गांव में हो रही है बारिश और इधर धुल रहे हैं बर्तन, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हमारी रोजी रोटी है। यहाँ हवा लग रही ना दीदी, सही बात। तो गाइस इसको कहते हैं दहलीज, गांव में दहलीज में लेटने में ही हवा आती है, लेट जाओ थोड़े आराम करना। तो गाइस ये है हमारा गांव वाला घर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और गांव में ऐसे खुले खुले से आंगन होते हैं, गाइस देखिए इधर बन रहा है खाना, और ये है इधर टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पे देखिए तुलसी जी लगी हुई है, गांव में इतने ही बड़े बड़े क्यारे होते हैं। और ये बाकी का इधर है देखिए, इधर कपड़े टंगे हुए हैं, उधर भाभी का खाना बन रहा है, उधर दीदी लेटी हुई है। गाइस वैसे भी गांव का एटमॉस्फेयर की बात ही अलग होती है, और स्पेशली हम जैसे लोग जो कि शहर में रहते हैं, जब हम लोग कभी कभी गाँव में आते हैं तो गाइस बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको इधर दिखाती हूँ, इधर भी आप देखिए, ये अभी खंडहर पड़ा, ये अपने इधर अपने साइड का है, तो गाइस अभी ये ऐसे ही ओपन पड़ा हुआ है, फिलहाल यहाँ कोई रहता तो है नहीं, तो छत वगैरह भी नहीं है कितना, और शहरों में इतनी इतनी सी जगह के लिए लोग लड़ते हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए, यहाँ देखो कितनी जगह है, आराम से कहीं भी खड़ी करो, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसके बाद में अभी जब तेल भी होगी 3-4 दिन बाद, उसके बाद तब फिर हम लोग यहाँ आएंगे। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। खाना वाना हमने खा लिया है, अब बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो गाइस आज आप लोगों ने देखा और सब प्रोग्राम वगैरह हो गया, अब हम लोग लखनऊ के लिए वापस निकल लिए हैं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम अपने लखनऊ, और गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए ओके बाय।